हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान वीडियोस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आयुर्वेद में खाने की सभी चीजों में ड्राई फ्रूट्स यानी सूखे मेवे को सबसे ज्यादा स्पेशल और हेल्दी माना जाता है, लेकिन सभी ड्राई फ्रूट्स में वॉलनट यानी अखरोट एकमात्र ऐसी चीज है जिसमें सबसे टॉप क्वालिटी का एंटीऑक्सीडेंट्स और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स काफी अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसलिए अखरोट खाने से अनगिनत फायदे होते हैं, पर बहुत लोग यह नहीं जानते कि अखरोट कब, कैसे और कितना खाना चाहिए, जिसकी वजह से वे इसका पूरी तरह से लाभ नहीं उठा पाते। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अखरोट के बारे में कि अखरोट खाने का सही समय क्या है, अखरोट खाने का सही तरीका क्या है, यानी किस तरह हमें अखरोट का सेवन करना चाहिए जिससे हमें इसका भरपूर फायदा हो, एक दिन में हमें कितने अखरोट खाने चाहिए और अखरोट खाने से हमारे शरीर में क्या क्या जबरदस्त फायदे होते हैं, यह भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसके साथ साथ किन लोगों को अखरोट का सेवन नहीं करना चाहिए यानी किन्हें अखरोट खाने से परहेज करनी चाहिए, ये भी हम जानेंगे। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको अखरोट के बारे में डिटेल में जानकारी दूंगी, इसके लिए वीडियो बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा देखिएगा। पर इससे पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को क्लिक करें जिससे आप हमारे वीडियोस को सबसे पहले देख पाएं। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या है जो अखरोट को इतना यूनिक बनाता है? एक छिले हुए अखरोट में 4% पानी, 7% फाइबर और 14% कार्बोहाइड्रेट, 15% प्रोटीन और सबसे ज्यादा लगभग 65% फैट होता है। इसके साथ साथ अखरोट में कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, फॉस्फोरस, विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए अखरोट सुपर फूड की श्रेणी में आता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अखरोट खाने का सही समय क्या है। फ्रेंड्स, अखरोट में हाई कैलोरीज, विटामिन्स और मिनरल्स की मात्रा अधिक होने के कारण हमें इसका सेवन तब करना चाहिए जब हमारे शरीर को तुरंत हेल्दी न्यूट्रिशंस की जरूरत हो। इसके लिए आप रात को अखरोट को भिगोकर रख दें और इसका सेवन सुबह खाली पेट एक्सरसाइज के तुरंत बाद और शाम के समय करें। ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है क्योंकि ऐसे समय में हमारा पेट बिल्कुल खाली रहता है, जिससे अखरोट में मौजूद सभी पोषक तत्व को हमारा शरीर बहुत ही तेजी से एब्जॉर्ब करता है। पर ध्यान रहे दोस्तों, अगर आप अखरोट को रात भर भिगोकर रखते हैं और फिर इसका सेवन करते हैं तो ये आपके लिए और भी ज्यादा फायदेमंद होगा। अखरोट का सेवन आप रात के समय भी कर सकते हैं क्योंकि अखरोट में मेलाटोनिन नामक एक तत्व होता है जो हमारे दिमाग में स्लीपिंग हार्मोन को रेगुलेट करता है, जिससे कि अच्छी नींद मिलने में बहुत ही मदद मिलती है। फ्रेंड्स, अगर आप इसका सेवन सोने से पहले करना चाहते हैं तो रात का खाना थोड़ा कम मात्रा में खाएं। अखरोट का सेवन आप रात को दूध के साथ भी कर सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा कि खाना खाने के 1 से 2 घंटे बाद और सोने से आधा घंटा पहले ही इसका सेवन करें ताकि आपके शरीर को इसे खाने का पूरी तरह से फायदा मिल सके। चलिए अब हम जानेंगे कि अखरोट खाने का सही तरीका क्या है, किस तरह से इसका सेवन करना चाहिए। दोस्तों, अखरोट की तासीर गर्म होती है, इसलिए इसे खाने का सबसे अच्छा तरीका है इसे भिगोकर खाना चाहिए, क्योंकि सूखे अखरोट में टैनिन और फाइटिक एसिड काफी मात्रा में पाया जाता है जो पेट में जाकर वहां मौजूद मिनरल्स के साथ बाइंडिंग करके फाइटेट बनाता है, जिससे पाचन क्रिया धीमी हो जाती है। और अगर हम अखरोट को खाने से पहले पानी भिगोकर खाते हैं तो इसमें मौजूद एसिड पानी में मौजूद मिनरल्स से बाइंडिंग करके काफी हद तक अखरोट से बाहर निकल जाते हैं, जिसकी वजह से अखरोट की गर्म तासीर काफी हद तक कम हो जाती है। तो अखरोट को 6 से 7 घंटे पानी भिगोकर रख दें, फिर इसका सेवन करें। दोस्तों, भीगे हुए अखरोट के ऊपर पतली सी छिलके की परत होती है, इस छिलके में 90% से भी ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स पाया जाता है, इसलिए भीगे हुए अखरोट का सेवन छिलके समेत करना चाहिए, तभी ये फायदेमंद होगा। इसके साथ साथ यदि आप 20 ग्राम अखरोट को 1 ग्लास दूध में डालकर अच्छी तरह से उबाल लें, उबलने के बाद इसमें मिश्री डालकर अच्छी तरह से मिला लें, फिर थोड़ी देर बाद इस मिश्रण का सेवन करें। यदि आप डेली इसे लेते हैं तो ये आपके शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। ये तो हमने बात की अखरोट खाने का सही तरीका क्या है, आइए अब हम बताते हैं कि एक दिन में कितने अखरोट खाने चाहिए। फ्रेंड्स, वैसे तो आप दिन भर में कम से कम 1 अखरोट और ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 अखरोट का सेवन कर सकते हैं। ये हर किसी की अपनी बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि हर व्यक्ति का पाचन एक जैसा नहीं होता। दोस्तों, अखरोट में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के अलावा सबसे ज्यादा फैट की मात्रा होती है, इसलिए आपको इसे कितना खाना चाहिए ये आपकी फिटनेस गोल पर निर्भर करता है। बहुत लोग यह सोचते हैं कि अखरोट वजन घटाता है या बढ़ाता है, पर मैं आपको बता दूं दोस्तों, अखरोट वजन कम करने में भी लाभकारी है और वजन भी बढ़ाता है, लेकिन इसके लिए
लिए अखरोट खाने का तरीका डिफरेंट होगा दोनों ही केसेस में। जी हाँ, अगर आप वजन बढ़ाना चाहते हैं तो आप 2 से 3 अखरोट का सेवन एक्सरसाइज के बाद 30 मिनट के अंदर ही कर लें, और अगर आप वजन घटाना चाहते हैं तो 1 से 2 अखरोट एक्सरसाइज के 1 घंटे बाद इसका सेवन करें, क्योंकि एक्सरसाइज के दौरान मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो जाता है, इसलिए एक्सरसाइज के तुरंत बाद हमें बहुत तेज भूख लगने लगती है। हमारा शरीर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए फैट सेल्स का इस्तेमाल करने लगता है, इससे शरीर की चर्बी पिघलने लगती है यानी फैट लॉस होता है, और यह प्रोसेस लगभग एक्सरसाइज के 1 घंटे बाद तक चलता रहता है। इसलिए अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो अखरोट का सेवन एक्सरसाइज के 1 घंटे बाद ही करें। अब आइए आपको बताते हैं सुबह खाली पेट भीगे अखरोट खाने के क्या क्या जबरदस्त फायदे होते हैं। दोस्तों, अखरोट का शेप इंसान के दिमाग जैसा होता है। अखरोट में बहुत अधिक मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है जो दिमाग की एक्टिविटी को बढ़ाने में मदद करता है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होने के अलावा आयोडीन और सेलेनियम भी होता है जो दिमाग को स्वस्थ रखता है, इसलिए इसे ब्रेन फूड भी कहा जाता है। कैंसर से बचाने में मददगार होता है। जी हाँ, अखरोट में पॉलीफिनॉल और फाइटोकेमिकल्स जैसे कंपाउंड पाए जाते हैं। इसमें मौजूद एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी कैंसर सेल से लड़ने मददगार होती है, इसलिए डेली भीगे हुए अखरोट खाना चाहिए। फ्रेंड्स, जिनको डायबिटीज है उनको रोजाना अखरोट का सेवन करना चाहिए, क्योंकि अखरोट में अधिक मात्रा में प्रोटीन और फाइबर होता है जिसकी वजह से यह वजन कम करने में बहुत ही सहायक होता है और साथ ही साथ डायबिटीज कंट्रोल करता है। दोस्तों, हमारे शरीर में अच्छे कोलेस्ट्रॉल यानी HDL और बुरे कोलेस्ट्रॉल यानी LDL दोनों ही पाए जाते हैं। जब भी हमारे खून में बुरे कोलेस्ट्रॉल मींस LDL की मात्रा बढ़ जाती है तो ब्लड सप्लाई में रुकावट आने लगती है, जिससे हृदय की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है जो बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाता है, जिससे हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल बैलेंस रहता है और इससे दिल की बीमारी होने के चांसेस बहुत हद तक कम हो जाते हैं। हड्डियों को मजबूत रखता है। जी हाँ दोस्तों, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमारी हड्डियों के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। अखरोट में अल्फा लेनोलेनिक एसिड होता है जो हड्डियों को मजबूत करने में काफी मदद करता है। अखरोट में एंटीऑक्सीडेंट गुण होता है जो त्वचा से गंदगी दूर कर आपकी त्वचा को चमकदार बनाता है। अखरोट का सेवन करने से हमारे शरीर से अमोनिया जैसे टॉक्सिक पदार्थ को निकलने में मदद होती है। इसके साथ साथ अखरोट में ग्लूटाथायोन और ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो लिवर को साफ रखने में मददगार होता है। अखरोट में पाया जाने वाला मेलाटोनिन नामक तत्व नींद की समस्या को ठीक करता है। यदि आप सोने से आधा घंटा पहले और डिनर के 1 से 2 घंटे बाद भीगे अखरोट खाते हैं तो आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। फ्रेंड्स, चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि किन लोगों को अखरोट का सेवन नहीं करना चाहिए, यानी किन्हें अखरोट खाने से परहेज करना चाहिए। वैसे तो दोस्तों, अखरोट के अनगिनत फायदे होते हैं, लेकिन अखरोट हाई एलर्जी ड्राई फ्रूट माना जाता है, इसलिए यह हर किसी को सूट नहीं करता। जी हाँ फ्रेंड्स, किसी किसी को अखरोट से एलर्जी हो सकती है। यदि अखरोट खाने से पेट में दर्द हो, जी घबराता हो, होंठ या गले में सूजन हो रही हो या फिर सांस लेने में परेशानी होती हो तो ये अखरोट से एलर्जी के कारण हो सकता है। यदि आपको ऐसा हो रहा हो तो इसे खाना तुरंत बंद कर दें और एक बार अपने डॉक्टर से जरूर सलाह ले लें। कुछ लोगों को अखरोट का सेवन करने से स्किन रैशेस होते हैं। फ्रेंड्स, काले अखरोट के छिलके में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो आपकी त्वचा पर लाल रैशेस पैदा कर सकते हैं, इसलिए काले अखरोट खाने से बचें, इसका सेवन न करें तो अच्छा है। यदि आपको ज्यादातर कफ की प्रॉब्लम रहती हो तो इस कंडीशन में भी आपको इसका सेवन नहीं करना चाहिए। यदि आप फिर भी अखरोट का सेवन करना चाहते हैं तो एक बार अपने डॉक्टर से सलाह ले लें। अखरोट में ऑक्सलेट की मात्रा अधिक होती है। ऑक्सलेट की अधिक मात्रा वाले पदार्थ के उपयोग से किडनी यानी गुर्दे में पथरी बनने का खतरा हो सकता है, और यदि किसी को पहले से ही किडनी में पथरी हो तो वे इसका सेवन बिल्कुल न करें तो अच्छा है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हर किसी को अखरोट सूट नहीं करता, यदि आपकी त्वचा ऑयली है तो इसका अधिक सेवन करने से आपको एक्ने और पिंपल्स की समस्या हो सकती है, क्योंकि अखरोट में ओमेगा 6 की मात्रा ओमेगा 3 के मुकाबले ज्यादा होती है और ओमेगा 3 इन्फ्लेमेशन को कम करता है, जबकि ओमेगा 6 के सेवन से बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है जिससे कि त्वचा में तेल का उत्पादन भी ज्यादा होने लगता है। इसलिए जिनकी त्वचा ऑयली हो उन्हें ज्यादा अखरोट नहीं खाने चाहिए, केवल 1 से 2 अखरोट आप अपनी डाइट में शामिल करें। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जो कि बिल्कुल फ्री है। एक और बात दोस्तों, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि वे भी इसका बेनिफिट ले सकें। बाय फ्रेंड्स, जल्दी मिलते हैं नए वीडियोस के साथ।